So students, here are the meanings. I have written the Urdu meanings and synonyms as well. You must keep in mind the synonyms of that word. And take a quick screenshot so that we may start our reading. Let's have a reading. Sherlock Holmes, a gentleman detective, and his friend Dr. Watson solve strange crimes which baffle the police. Sherlock Holmes, एक जासूस और उसका दोस्त डॉक्टर वॉटसन ऐसे अजीब और गरीब जराइम को हल करते हैं जो कि पुलिस को परेशान कर देते हैं या उलझा देते हैं. Holmes is able to find and piece together clues in an amazing way. Holmes तमाम सबूत को तलाश करता है और उन्हें हैरान कुन तरीके से जोड़ता है. In this story, a young lady named Helen Storer visits Mr. Sherlock Holmes to ask for his help as her sister has just died and she is frightened of her stepfather, Dr. Rowlett. इस कहानी में एक नौजवान औरत जिसका नाम हेलन स्टोनर है वो मिस्टर शर्लक होम्स के पास आती है और उससे उसकी मदद मांगती है क्योंकि उसकी बहन जो कि मर चुकी है और वो अपने सुतेले बाप डॉक्टर रॉलेट से खौफजदा है. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली इन द स्टोरी, लेट्स स्टार्ट. हेलन स्टोरी, हेलन की कहानी. दैट फैटल नाइट डॉक्टर रॉलेट हैड गोन टू हिज रूम अर्ली दो वी न्यू दैट ही हैड नॉट गोन टू बेड. उस खतरनाक रात या मोहलिक रात डॉक्टर रॉयलेट अपने कमरे में जल्द ही चले गए थे जबकि हम जानते हैं कि वो भी बिस्तर पर नहीं गए थे. माय सिस्टर कुड स्मेल द स्ट्रॉन्ग इंडियन सिगार्स व्हिच ही स्मोक्ड. मेरी बहन उन तेज इंडिया के बने हुए सिगार की बदबू सुन सकती थी जो कि वो लेते थे. शी लेफ्ट हर रूम एंड केम इनटू माइन. वो अपने कमरे से निकली और मेरे कमरे में आई. वेयर शी सैट फॉर सम टाइम चैटिंग अबाउट हर अप्रोचिंग वेडिंग, जहां वो कुछ देर बैठकर अपनी आने वाली शादी के बारे में मुझसे बातें करती रही. At 11 o'clock, she rose to leave me, but she paused at the door and looked back. तकरीबन 11 बजे वो जाने के लिए उठी, लेकिन वहाँ कुछ देर के लिए रुकी और मेरे तरफ पीछे मुड़कर देखा. Tell me, Helen, said she, have you ever heard anyone whistle in the dead of the night? मुझे बताओ हेलन, क्या तुमने कभी किसी को आधी रात के वक्त सीटी बजाते हुए सुना है? Never, said I, कभी भी नहीं. I suppose you could not possibly whistle yourself in your sleep. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम नींद में खुद से सीटी नहीं बजा सकती हो. Certainly not. But why? यकीनन ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? Because during the last few nights at about 3 in the morning, I have heard a low clear whistle. क्योंकि पिछली कुछ रातों से तकरीबन सुबह 3 बजे के करीब मैं एक हल्की और साफ आवाज में सीटी की आवाज़ सुनती हूँ. I am a light sleeper. Who is a light sleeper? One who wakes up with a very little noise. एक ऐसा शख्स जो कि बहुत हल्की नींद लेता है और जल्दी से उठ जाता है. I cannot tell where it came from. मैं नहीं बता सकती कि ये कहाँ से आवाज़ आई. Perhaps from the next room. शायद अगले कमरे से. Perhaps from the lawn. या शायद lawn से. I thought I would just ask you whether you had heard it. मैंने ये सोचा कि मैं तुमसे पूछूंगी क्या तुम भी इसे सुनती हो.